हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ VLA INS एग्ज़ाम के बारे में। चलिए जानते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और उसका प्रोसेस क्या है। जैसे ही आप इस पोर्टल पे आएंगे, आपको रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, एक फॉर्म आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा। इसमें आपका CSE ID, नेम वगैरह यहाँ पे पहले ही मेंशन हो चुका होगा। आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए, जैसे फादर नेम, मदर नेम और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और अपना कैटेगरी, और जिस कैटेगरी में भी आप आते हैं उसको चूज़ कर लीजिएगा, रिलीजन चूज़ कर लीजिएगा। और इसके बाद आप फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिख जाता है। फ़ोटो आप उस फ़ोटो को अपलोड कीजिएगा जो आप चाहते हैं कि आपके सर्टिफिकेट पे आए। मैंने अपना फ़ोटो यहाँ पे चूज़ कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। जो भी आपने एजुकेशन पूरी की है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिल करना है, जैसे ताल्लुक, स्टेट, फुल एड्रेस वगैरह, पिन कोड। नीचे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो चुका होगा। उसके बाद नीचे लास्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पर आपको अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है, पैन कार्ड देना है और आपका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन मींस जो भी आपने वहाँ पे ऊपर सेलेक्ट कर रखा है उसका मास कार्ड आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही यहाँ पे क्रॉप करके रख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे बता रहा है 75 KB के अंदर होना चाहिए। दोबारा से फॉर्म चेक करके आप नेक्स्ट जाएंगे प्रोसीड टू पे पे। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं, आप एक नए विंडो पे पहुंच जाएंगे जहां आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट 200 रुपीज़ है। यहां पे आप पहले अपना CSE ID का पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद आप पे वॉलेट पिन मांगा जाएगा। अगर आप रैप एग्ज़ाम लिख रहे हैं उसका अमाउंट होगा 350 रुपीज़। अगर आप उस एग्ज़ाम को लिख रहे हैं तो आपके वॉलेट में 100 या 150 रुपये ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज़ वो पेमेंट एरर शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा लर्निंग स्टार्ट नहीं हुआ है तो नो लिख रखा है। यहाँ पे आप जाके डिटेल्स देख सकते हैं जो भी आपने रजिस्टर करते टाइम पे आपने दे रखा है। यहाँ पे आपका सारा डिटेल वगैरह शो हो जाएगा। यहाँ पे 4 स्टेप्स दे रखे हैं। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एग्ज़ाम पे क्लिक कर रही हूँ तो मैं दिखा दूँ, आप एग्ज़ाम पे डायरेक्टली नहीं जा सकते क्योंकि इस तरह का एरर शो हो जाएगा, जैसे मॉड्यूल नॉट कम्प्लीटेड कह के। तो इसलिए आपको पहले मॉड्यूल्स पे जाना होगा, मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद ही आप एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज सिर्फ एक दे रखा है इंग्लिश कह के। जैसे ही मैं लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट मेरा टॉपिक जो भी मॉड्यूल है वो ऑन है और सारे अनलॉक हैं। जैसे यहाँ पर 16 different kind of मॉड्यूल्स हैं। पहले वाला यहाँ पे सिर्फ अनलॉक है और बाकी के सारे लॉक हैं। जैसे आप एक एक कह के इसको पढ़ते जाएंगे या क्लिक करके ओपन करेंगे तो सारे 16 यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। इसके बाद आप एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं, रिजल्ट के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको बताऊँगी एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है और सर्टिफिकेट हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। जब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।